हाय दोस्तों, शीट मेटल बाय जाकिर में आप सभी का स्वागत है। मैं जाकिर खान। देखिए दोस्तों, ये हमने एक एक पार्ट बना के दिखाई दे सबके, तो आज हम आपको इसकी फिटिंग करके दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। दोस्तों, ये जॉइंट होता है तो इसमें लांबी भरना पड़ती है, उसे वे भी लांबी कहते हैं। उसके अंदर पानी आता है। ये जो जेंट मारते हैं अपन, ये लीक नहीं होना इसलिए वो मारते हैं। और आपकी अगर पुरानी है और वो लीकेज है यहाँ से बीच में से भी, तो उसे आराम से भर के, ताकि लीकेज बंद हो जाती है दोस्तों। तो आपको अगर भरना है तो वे भी लंबी भरे। दोस्तों दोस्तों देखिए, ये 5 इंच का पाप है या और अपना ये यहाँ से 5 इंच का था। ये इस तरह से रख के ये फ्रंट खींच डालना है दोस्तों। ये इस तरह से रख के दोस्तों देखिए, ये 6 नंबर रिफिट है कड़क वाले, उसे इस तरह रख के, ये यहाँ से इस तरह रख के यहाँ रिफिट खींच डालना है दोस्तों। देखिए, ये जो जिस तरह के कान है यहाँ रिफिट खींचे हुए हैं, तो उसी तरह ये पीछे भी कान होते हैं, उस पर कान पर रिफिट आ जाना। देखिए दोस्तों, ये नट है, ये नट रख के, हालांकि इसी भी नट है लेकिन इसे थोड़ा फिनिशिंग ख़राब होती है इसलिए नट रख के। और दोस्तों, अगर आपको ये माप नहीं लेना है, ये इस तरह से लेवल आना चाहिए। ये जो नाली है, ये नाली लेवल इस तरह से लेवल आ जाना, और यहाँ लेवल रख के मार देना। इस तरह से चेक करना है, इसमें हाथ डाल के रिफिट रख डालना है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से रिफिट मार देना है। दोस्तों आप यहाँ इसको स्क्रू में मार सकते हैं। ये देखिए, टाइपिंग स्क्रू है, टाइपिंग स्क्रू कहते हैं इसकी निशानी, ये ओरिजिनल की, ये ओरिजिनल की निशानी ये इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के स्क्रू आते हैं, दोस्तों ये देखिए दोस्तों, अगर यहाँ स्क्रू मारेंगे आप तो ये बाद में वाइब्रेशन से थोड़े लीक होना शुरू हो जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ कभी भी रिफिट नहीं मारे, रिफिट में मजबूती रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये रिवर्स फॉरवर्ड वाली है, ये देखिए, ये मशीन लेना है और ये इस तरह से स्क्रू लगा के, देखिए इस तरह से स्क्रू मार देना है दोस्तों। ये देखिए, ये भी स्क्रू ऐसे मारना है इस तरह से। टाप दोस्तों, ये देखिए, टाप इस तरह से पहले फंसा देना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ स्क्रू मार देना है, मारने के बाद दोस्तों इधर का मारना है, इसे इस तरह से मिला देना है दोस्तों पहले, और फिर बाद में यहाँ स्क्रू मार देना है दोस्तों। ये पहले इस तरह से मिला देना है यहाँ, ये देखिए, ये इसे लेवल देखना है, रेड एंगल में देखना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये मारने के बाद इधर मारना है, ये थोड़ा लेवल रख के इस तरह से मार देना है दोस्तों, ये इस तरह से मार देना है। देखिए दोस्तों, ये जिस तरह ये मारे हैं सेम इधर भी ऐसे मारना है, इसे पहले मिला के ये मार देना है। इस तरह से मार देना है, मारना है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ढक्कन लेना है इस तरह से, पीछे का हिस्सा। ये देखिए दोस्तों, स्क्रू मार देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से स्क्रू मार देना है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ स्क्रू हम आया है उसके। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से फिट करना पड़ता है, अंदर डालना पड़ता है। ये तो ये नीचे इस तरह से उठा के इस तरह से यहाँ स्क्रू मार देना पड़ता है। ये देखिए, इस तरह से स्क्रू मार देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, कूलर तैयार हो गया। इसकी फिटिंग नेक्स्ट वीडियो में इसकी फिटिंग बताएंगे, किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है, किस तरह से उसमें घास भर जाता है। ये देखिए, इस चैनल इसमें, ये देखिए इसमें घास किस तरह से फिट की जाती है, उसके अंदर का ये जिस तरह खेकड़ा है दोस्तों अंदर की, ये किस तरह से की जाती है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।